नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विचारधारा अनुरूप पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने एवं प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने व खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना का विकास करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर तारण सिन्हा के मार्गदर्शन निर्देशन में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से सिवरी नारायण में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती अंजनी मनोज तिवारी भी कई खेलों में हिस्सा लेकर नगर की सभी महिलाओं को खेल के प्रति जागरूक होने का संदेश दे रहे हैं, जिसे प्रेरित होकर सारी शक्ति भी इस छत्तीसगढ़िया खेलों में भाग लेकर अपना जोहार दिखा रही है और नगर के युवा व बच्चे भी इन खेलों का खूब आनंद ले रहे हैं। जांजगीर जिले के पामगढ़ विधानसभा के समस्त ग्राम पंचायतों में राज्य युवा मितान क्लब व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से कुल 14 प्रकार का खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 दलीय एवं 6 एकल खेल का आयोजन होगा। खेल का आयोजन राजीव युवा मितान क्लब जोन विकासखंड जिला संभाग एवं राज्य स्तर पर होना है, जिसमें 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक राजीव युवा मितान क्लब के नेतृत्व में जोन स्तरीय आयोजन होना है। ये जो है इस बार छत्तीसगढ़ में पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरा नगर पूरा ग्राम स्तर पर जो हमारी पुरानी संस्कृति है खेलों की जो लुप्त प्राय हो रही थी उसको एक बार पुनः जागृत करने के लिए जीवित करने के लिए खेलों का आयोजन कर रही है। एक नया नाम के साथ राज्य विधान क्लब सुनायन इसका आयोजित कर रहा है। छत्तीसगढ़ 2022-23 के रूप में इसका नाम दिया गया है, जिसमें हमारी 3 वर्ग बनाए गए हैं। पहला 0 से 18, फिर 18 से 40, फिर 40+। इसमें बढ़ चढ़ के निभाताएँ हमारे बच्चे हमारे सभी पुरुष वर्ग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें खास करके पूरे व्यवस्था में हमारे नगर पंचायत सुनायन के सम्माननीय अध्यक्ष अंजनी मोहन तिवारी जी, आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव जी, सभी पार्षदगण, युवा क्लब के हमारे सम्मानित सुधांशु तिवारी जी अध्यक्ष और हमारे पत्रकार मीडिया के सभी साथी आदरणीय नायर जी, आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, आदरणीय रायसागर जी, उग्रेश्वर गोपाल जी और हमारे धनेंद्र जहरे जी सब मिल करके इस खेल को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार क्षेत्र के हमारे युवान जवान साथी अपने अपने जौहर दिखाने के लिए अपने खेलों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें खास करके लुप्त प्राय खेल में बिल्लस है, पिट्ठूल है, आपका इब्भा है, आपका गिल्ली डंडा है, आपका खो खो है, कबड्डी है। ये धीरे धीरे जो हमारे पुराने परंपराओं में जो खेल थे उन खेलों को एक बार फिर नई उत्साह के साथ लोगों के बीच में लाने का प्रयास हमारे शासन द्वारा किया गया है और नगर पंचायत सुनायन में भी टेम्पल सिटी है, यहाँ भी लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी उत्साहित हमारे खिलाड़ी, जिसमें आज आप देख पा रहे हैं कबड्डी चल रही है, गेड़ी चल रहा है, भौंरा चल रहा है और बांटी का खेल। ये सब बांटी, आपका भौंरा, आपका लगभग पिट्ठूल और बिल्लस ये सब लुप्त प्राय हो गए थे, कबड्डियाँ तो कहीं कहीं मिल जाती थी, इन सबको फिर से लोगों के बीच में ला करके और बच्चों में खेल की भावना बढ़ाने का यह सुंदर कार्यक्रम और बहुत उत्साह के साथ किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे नगर पंचायत की टीम लगी हुई है, पूरी सेवा दे रही है और एक एक क्षण माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पार्षदगण और हमारे नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी और हमारे सभी शिक्षक साथी, माननीय प्रचार्य महोदय बी के देवांगन, माननीय प्रचार कुरे जी, माननीय प्रकाश शर्मा जी, सभी हमारे रिश्मा मैडम, घनश्याम राहुल जी, सारे लोग इतने उत्साह से भाग ले रहे हैं। यह खेल निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा के साथ नई दिशा को, नए आयाम को छू रहा है। हम सभी बच्चों के एक बार पुनः खेल भावना को लेकर के और उनके नए खेल दिशाओं में एक नई व्यवहार के साथ उनके जुड़े हुए, उनके जीवन के साथ जुड़े और उनके नई दिशा मिल सके और खेल भावना और खेल की दुनिया एक बार फिर गांव गांव, गली गली, घर घर एक बार फिर जागृत हो, यही उम्मीद के साथ यह खेल आयोजित है। मैं सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर से इस खेल को जागृत बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शासन का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई,